केमिस्ट्री क्लासरूम, प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स के बारे में। तो सीरीज के अंदर ये केमिकल प्रॉपर्टीज का आई थिंक थर्ड वीडियो है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन्स बहुत अलग अलग तरीके से की जाती है, अलग अलग रिएजेंट्स के साथ। तो आप देखिए, सबसे पहला रिएजेंट है KMnO4। KMnO4 के साथ एलिफैटिक प्राइमरी अमीन्स देती हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। देखो, KMnO4 डाला, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन निकल गई एज वाटर, तो ये बन गया RNO2, नाइट्रो एल्केन। अगर मैं R की जगह पे ले लेती हूं C2H5NH2, तो KMnO4 के साथ इसकी ऑक्सीडेशन करने पे हमें मिलेगा, यहां से दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाहर, वाटर, और ये बन जाएगा C2H5NO2। दिस इज नाइट्रो इथेन। क्लियर? अगर हम सेम रिएक्शन सेम रिएजेंट के साथ सेकेंडरी अमीन्स के साथ करते हैं तो इट फॉर्म्स टेट्रा एल्काइल हाइड्राजीन। एक H, दूसरा H, वाटर, ठीक। इट विल फॉर्म, हम दो मॉलिक्यूल लेंगे यहां पे, तो ये बन जाएगा R2N, सिंगल बॉन्ड NR2। आपको पता हाइड्रोजन NH2, ये दोनों H हटा दिए और उसकी जगह पे एल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो दिस इज टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजन, राइट? तो ये बन गया टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजन, ठीक। और साथ में वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि ये दो एच और एक ऑक्सीजन वाटर बाहर। अब यहां पे भी आप C2H5NH आपने सेकेंडरी अमीन ले ली, ऑक्सीडेशन, ये क्या बनेगा? C2H5 नाइट्रोजन, C2H5 नाउ दिस इज टेट्रा इथाइल हाइड्रा जीन, ठीक है? इसका नाम मैं इधर लिख के बता देती हूं, टेट्रा इथाइल हाइड्रा जीन। और बना क्या है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और चारों तरफ लग गया है वहां पे इथाइल ग्रुप, राइट? ये बना टेट्रा इथाइल हाइड्रोजीन। और टर्चरी के अंदर देर विल बी नो रिएक्शन, KMnO4 के साथ टर्चरी अमीन्स कोई रिएक्शन नहीं देती। ऑल सेट? ओके। कारोज एसिड के साथ भी ये रिएक्ट करते हैं तीनों, H2SO5। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, आपने उसमें भी इसको पढ़ा है, दिस इज कारोज एसिड, वन मार्क क्वेश्चन, कारोज एसिड, ओके। कारोज एसिड के साथ सबसे ज्यादा प्रोडक्ट देती है प्राइमरी अमीन। देखिए, अगर मैंने प्राइमरी अमीन ली है, दिस इज इथेनामीन, तो कारोज एसिड के साथ तीन तरह के प्रोडक्ट देगा, या तो ये बनाएगी हाइड्रोक्सिमिक एसिड, ये रहा हाइड्रोक्सिमिक एसिड, हाइड्रोक्सिमिक एसिड, या ये बनाएगी एल्डोक्साइन, या ये बनाएगी हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन आपको पता है NHOH, ठीक है? ये देखो एल्डिमीन, CH3 H C डबल बॉन्ड O, आगे जो भी अमीन का डेरिवेटिव होगा वो हटा और यहां लग गया NOH, एल्डिमीन। ये आप एल्डिहाइड्स के अंदर इन रिएक्शंस को करते हैं, या तो बनी एल्डोक्साइन, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करवाते थे ना उधर, आपको अगर याद हो, अमोनिया डेरिवेटिव। अब ये एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, वाटर बाहर, बन गई ऑक्साइन, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ बनती थी ऑक्साइन, या ये बन गई हाइड्रोक्सिल अमीन, राइट? अब ये तो थी प्राइमरी अमीन हैविंग प्राइमरी कार्बन, जिस कार्बन से जुड़ी है, दिस इज प्राइमरी कार्बन, तो ये तीन प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। इन केस वी आर यूजिंग सेकेंडरी कार्बन, देन क्या प्रोडक्ट बनता है? देखिए, प्राइमरी अमीन विद सेकेंडरी कार्बन, कारोज एसिड के साथ हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं,
इट विल फॉर्म कीटो ऑक्साइन, ये बना रही है कीटो ऑक्साइन, कैसे कीटोन अगेन NH2OH वाटर रिमूव्ड, ये क्या बन जाती है कीटो ऑक्साइन। ओके, अब इसका जो थर्ड एलिमेंट है प्राइमरी एमीन लेकिन टर्शियरी कार्बन के साथ, ये रहा टर्शियरी कार्बन, ये रही प्राइमरी एमीन, टर्शियरी हम लिखेंगे प्राइमरी एमीन विथ टर्शियरी कार्बन, ठीक है। ये थी रिएक्शन वन, ये थी सेकेंड, अब ये रही थर्ड रिएक्शन, CH3 कारोज एसिड के साथ, तो ये बनाता है CH3NO नाइट्रोसो एल्केन। अब इसका नाम आप लिख सकते हो 1, 2, 3 प्रोपेन, दिस इज 3-methyl-3-nitroso प्रोपेन, पूरा नाम आप लिख सकते हैं, ठीक। ये प्राइमरी का रहा, सेकेंडरी के अंदर इट फॉर्म्स एन हाइड्रोक्सी डाई एल्काइल एमीन। अब देखो कारोज एसिड के साथ अगर हम सेकेंडरी एमीन को रिएक्ट करवाते हैं तो इट फॉर्म डाई एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन, दिस इज डाई एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन। ओके, इसको मैं CH3 ले लेती हूं, NH ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कारोज एसिड इट विल फॉर्म N के साथ मिथाइल, N के साथ मिथाइल NOH, दिस इज डाई मिथाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। और कारोज एसिड ओजोन या हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ टर्शियरी एमीन रिएक्ट करती है और बनाती है एमीन एन ऑक्साइड, दिस इज R3N, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन होगी, वी विल बी हैविंग ओनली वन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी ऑक्सीजन को एंड इट विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज एमीन एन ऑक्साइड, एमीन एन ऑक्साइड। इस तरीके से एलिफैटिक एमीन्स की ऑक्सीडेशन होती है। अब देखते हैं एरोमेटिक, एनिलीन इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड और ये बना लेता है बेंजो क्यूनोन, पैरा बेंजो क्यूनोन और सिमिट्रिकल कीटोन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट रिंग सब्स्टिट्यूशन, अब देखिए रिंग सब्स्टिट्यूशन जैसे बाकियों में होती थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हमने जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए थे एनिलीन के तो आपने देखा एनिलीन के जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में आ जाता है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, दैट इज व्हाई इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सब्स्टिट्यूशन होगी इलेक्ट्रोफाइल इन तीनों पोजीशंस पे आएगा। ओके, इससे पहले आप जितनी भी रिएक्शंस करते थे या तो ऑर्थो पे लगाते थे या पैरा पे लगाते थे, लेकिन यहां तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गई, दिस इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ चुके हैं और तीनों पोजीशंस फुल ऑन नेगेटिव चार्ज दिखा रही हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए, इन इलेक्ट्रॉन्स को अंदर ना आने दिया जाए, हम इस पर्टिकुलर ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लें। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप, हम इसकी एसाइलेशन कर देते हैं, एसाइलेशन इज कैरिड आउट टू प्रोटेक्ट एमिनो ग्रुप एंड गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट।
तो हम इसको ट्रीट करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ। तो ये रहा एनिलीन, इट इज ट्रीटेड विद एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। व्हाट यू विल गेट, यहां से एसिड बाहर माइनस सी एच थ्री सी ओ ओ एच और ये बन गया एन एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। ये हो गई इसकी एसाइलेशन। ठीक है, अब एक्चुअली होगा क्या, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके साथ कॉन्जुगेशन में आएंगे एन एच डबल बॉन्ड सी नेगेटिव चार्ज सी एच थ्री। अब ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में रिंग की तरफ नहीं आए, तो रिंग के ऊपर तीनों पोजीशंस के ऊपर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। तो जब भी अब हमें प्रोटेक्शन करनी है हम इस प्रोसेस को लगाएंगे और आगे जाकर फिर इसको जब सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी हम इसको हटा देंगे। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन। ओके ठीक है, अब देखो अगर मुझे हैलोजिनेशन करनी है तो इस प्रोसेस के साथ कैसे करेंगे, ये मैंने आपको सिर्फ प्रोटेक्शन बताई। ठीक, हम क्या करेंगे हैलोजिनेशन के लिए, अब ये प्रोटेक्शन का हो गया, मेरे पास है एनिलीन, सबसे पहले मैंने इसको रिएक्ट करवाया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एच बाहर माइनस सी एच थ्री सी ओ ओ एच। अब यहां पे बन गया एन एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। अब मुझे डालनी है इसमें ब्रोमीन। ठीक है, अब एक ऑर्थो से या पैरा से माइनस एच बी आर बाहर। ओके, ये बन गया एन एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री बी आर, या तो ऑर्थो पे लगेगा या कहां लगेगा पैरा पे। हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब देखो अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, ये ऑर्थो और ये पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों में से एक बनेगा। अब हम करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हुई इधर एच इधर ओ एच, इधर एच इधर ओ एच, व्हाट यू विल गेट NH2 Br और NH2 Br माइनस क्या हो गया CH3 COOH। इस तरीके से आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएंगे और आपको पता है जो पैरा पे बनता है वो हमेशा मेजर होता है और ऑर्थो वाला माइनर होता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टीरिक हिंड्रेंस और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है उस वजह से। तो प्रोटेक्शन करी और उसके बाद आपने हेलोजिनेशन की। ठीक है, अब देखिए नाइट्रेशन, अगर आप विदाउट प्रोटेक्शन कैरी आउट करते हैं तो आपको दो तीन तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो 2% पैरा 51 एंड 47% इज मेटा, एबनॉर्मल प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप प्रोटेक्शन के साथ चलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड डाला, यहां से CH3COOH बाहर, ये बन गया हमारे पास एसाइलेटेड कंपाउंड ऑफ एनिलीन, एसाइलेटेड एमीन एंड सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, और इसको अब हम ट्रीट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड यू विल गेट NH C डबल बॉन्ड O CH3, ऑर्थो पे लग गया NO, या फिर NH C डबल बॉन्ड O CH3 या लगेगा पैरा पे। ठीक है, फिर हम करते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस एज इट इज, इधर H इधर OH, H OH एंड व्हाट यू विल गेट NH2 या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे।
और पैरा वाला जो है ये ज्यादा बनता है, मैं जो ऑर्थो वाला है दिस प्रोडक्ट इज लेसर इन अमाउंट। तो इस तरीके से विदाउट प्रोटेक्शन एबनॉर्मल प्रोडक्ट एंड विद प्रोटेक्शन हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फोनेशन, यहां पे लोन पेयर इधर से निकला, एक एच पॉजिटिव इसके पास पहुंच गया, ये रिएक्शन आपने पहले की है पीछे, ये बन गया NH3 पॉजिटिव और इसके साथ लग गया बाइसल्फेट आयन। क्लियर? अब देखो इसमें से पैरा पोजीशन से हटी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से हटी, दो हो गई, एक ऑक्सीजन इधर से, तो HHO वाटर बन गया माइनस H2O। अब ध्यान से देखना इधर क्या बना, इसके ऊपर NH2, इधर बना SO3H, राइट? दिस इज 4-एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4-एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखो इसमें एक एसिडिक ग्रुप और एक बेसिक ग्रुप। अब देखो ये सॉल्ट कैसे बनेगा, यहां से एच पॉजिटिव ऊपर ये बन गया NH3 पॉजिटिव, ठीक है, NH3 पॉजिटिव, और इधर क्या बन गया SO3, एच पॉजिटिव चला गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज की सेपरेशन, इट्स अ सॉल्ट एंड नोन एज इनर सॉल्ट और ज्विटर ऑयन। ज्विटर का मतलब होता है टू, तो जिसके ऊपर दो तरह के चार्जेस है दैट इज ज्विटर ऑयन। तो दिस इज हाउ सल्फोनेशन टेक प्लेस। नेक्स्ट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन ये रहा मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा प्राइमरी अमीन के साथ इन एसिडिक मीडियम एंड आइस कोल्ड कंडीशंस। हाउ? यहां से Cl और यहां से H, HCl बाहर, ये कैसे जुड़ा? N डबल बॉन्ड N, देन N H और इसके साथ बेंजीन रिंग, राइट? अब देखिए यहां पे भी H है, ये H हटा और ये वाला NH ग्रुप पैरा पोजिशन पे चला गया। नाउ इट विल फॉर्म N डबल बॉन्ड N और ये N जुड़ गया डायरेक्ट रिंग के साथ और ये NH इधर जो H हटा था वो इसके साथ NH2। नाउ दिस इज डाई एजो, डाई बन गई हमारे पास, ठीक है, तो इट इज पैरा अमाइनो एजो बेंजीन एंड इट्स अ डाई येलो कलर, डाई ऑफ येलो कलर, दिस इज अ येलो डाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। मैं यहां आपको हिंट दूंगी, काम आप खुद करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन नाइट्रस एसिड, हमने ऐसे ही किया है वहां पे, तो हेडिंग डालकर यहां पे आपको पूरी पूरी रिएक्शंस लिखनी है, एलिफैटिक और एरोमेटिक किस तरीके से आता है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन वो सिर्फ प्राइमरी देंगे, इनके अंदर आएगा, डू नॉट गिव दिस टेस्ट। यहां पे आपको याद है प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म और 3KOH और ये बन जाता है RNC आइसोसायनाइड 3KCl plus 3H2O and this is having bad smell of bitter almonds। इसमें ये रिएक्शन सभी में लिखनी है, इसमें आएगा, इसमें आप लिखोगे नो रिएक्शन, उसमें आप लिखोगे नो रिएक्शन, क्योंकि वहां आपने लिखा है ओनली प्राइमरी अमीन गिव दिस टेस्ट। अब जब हम एसाइलेशन करते हैं प्राइमरी अमीन ये देती हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, राइट, एसाइलेशन के अंदर,
सॉरी मोनो सब्स्टिट्यूटेड, प्राइमरी वाले देते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड, सेकेंडरी देते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड, और इसके अंदर रिएक्शन नहीं होता। हिंसबर्ग टेस्ट पूरा पूरा लिखिए, इसमें नहीं आता है प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों ही इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बनाते हैं, ये KOH में डिसॉल्व कर जाता है, ये नहीं करता है क्योंकि इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती। जो टेस्ट मैंने आपको पीछे करवाया है पिछले वीडियो में, आपको पूरा पूरा लिखना है। कपलिंग रिएक्शन हमने अभी की, सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देती हैं, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देती। तो यू आर हैविंग 5 मेथड्स विद विच यू कैन डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। ओके, अब देखो लास्ट डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, बहुत बार मैंने आपको बता दी, एनिलीन प्राइमरी एमीन रिएक्ट्स विद सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, बेसिकली HNO2 नाइट्रस एसिड बनता है इससे, एंड दे फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ केमिस्ट, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स इससे बनते हैं। जरा देखिए, अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर वाटर डालते हो और उसको जरा सा वार्म करते हो, यू गेट फिनोल। अगर आप H3PO2 इसके साथ इसको हीट करते हो, यू विल गेट बेंजीन। अगर आप इसमें डालते हो क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्लोरोबेंजीन। अगर आप क्लोरो की जगह पे ब्रोमो यूज करते हो तो ब्रोमोबेंजीन। आपको याद है ना, दिस इज सैंडमेयर्स रिएक्शन जिसमें आप क्यूप्रस क्लोराइड यूज करते हो, और जिसमें आप सिंपल कॉपर यूज करते हो, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर्स रिएक्शन, दैट इज गेटरमैन्स रिएक्शन। ये क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो, ये चारों रिएक्शंस आप हेलो एरीज में करके आए हो डिटेल में। अगर आप कॉपर साइनाइड यूज करते हो, यू विल गेट साइनोबेंजीन। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसको हीट करते हो, यू विल गेट आयोडोबेंजीन। दिस इज बॉल्स शीमैन रिएक्शन। अगर आप HBr4 के साथ ट्रीट करोगे, यू विल गेट फ्लोरोबेंजीन। और अगर आप इसके साथ सोडियम नाइट्राइट यूज करोगे, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विल गिव नाइट्रोबेंजीन। और हां, अगर आप कोई भी हमारे पास एरोमेटिक ग्रुप लेते हो जिसमें यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, या तो अमीनो होना चाहिए या OH, मतलब या तो आप इसको ट्रीट करवाओगे एनिलीन के साथ, या आप इसको ट्रीट करवाओगे फिनोल के साथ, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट एजोडाई। ठीक है, क्योंकि एजोडाई आपने फिनोल के साथ भी बनाई, और अभी थोड़ी देर पहले कपलिंग रिएक्शन में प्राइमरी एनिलीन के साथ भी बनाई, प्राइमरी अमीन दैट इज एनिलीन के साथ भी बनाई। ठीक है, तो इट वॉज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो मैं आपको अमीन्स के बारे में बता सकती थी। इट्स क्विक रिवीजन चार्ट, आप यहां से कितने सारे कन्वर्जन्स कर सकते हो। अब आप देखो, इतनी सारी चीजें बनाने के लिए आपको सिर्फ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड चाहिए। एनिलीन से आपको क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट एनिलीन इनटू साइनोबेंजीन, ये रहा रास्ता, एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और उससे आपको जो कहा गया है आप बना सकते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट एमीन्स। Now we are done with amines as well as organic chemistry. So, अब आपकी टर्न है, आपको इन सारे के सारे वीडियोस को अच्छे से देखना है, समझना है, नोट्स बनाने हैं और लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली नेम रिएक्शंस, डिफरेंसेस, जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं उनकी बेसिक नेचर का कंपैरिजन, एसिडिक नेचर का कंपैरिजन, उनको ध्यान से कीजिए, क्योंकि रीजनिंग एक नंबर में पूछ ली जाती है। कंप्लीट द इक्वेशंस, उनको भी थोड़ा सा फोकस करके पढ़ेंगे तो दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, एंड नाउ प्रैक्टिस योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।